प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम क्लास सेवन्थ हिंदी असेसमेंट टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इसका मतलब 3 टेस्ट आपके पहले हो चुके हैं। अगर आपका पुराना कोई भी टेस्ट रह गया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पुराने को भी कंप्लीट कर लीजिए। ये टेस्ट आपका 20 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, सभी असेसमेंट टेस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे और इसके बाद जब भी आपके हिंदी टीचर आपको टेस्ट मांगे तो आप उन्हें चेक कराइए ताकि आपके पूरे मार्क्स लगे, टाइम से लगे और आप भी टॉप पर बने अपने क्लास के। तो चलिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो 20 नंबर का सवाल है, किस किस तरीके से आएगा। देखो, 1 से 4 तक एक एक नंबर के हैं, 5 और 6 दो दो नंबर के हैं और 7, 8, 9, 10 आपके 3-3 नंबर के होंगे। टेस्ट आपका पापा खो गए चैप्टर से है और ये एक नाटक है, तो चलिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि मैंने इसका कंप्लीट जो एक्सप्लेन वाली वीडियो है, व्याख्या वाली, वो आपको अपलोड की है, तो हमारे चैनल पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। लड़की लेटर बॉक्स से बोलती है, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, क्योंकि यहाँ पर उनकी बातचीत हो रही है, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। सपना जो लड़की है जिसे कि आदमी चुरा के ले गया है, वो लेटर बॉक्स से बातें कर रही है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि लेटर बॉक्स भी बातें कर पाता है, तो कहती है कि मुझे सपना सा लग रहा है। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हुई ऐसी चीज़ देख लो तो यूं ही लगता है, जब हम कोई चीज़ पहली बार देखते हैं तो हमें सपना सा ही लगता है, ऐसा लेटर बॉक्स लड़की को बताता है। तू रहती कहाँ है, तो वो फिर से अपना एड्रेस पूछता है, तो लड़की कहती है मैं अपने घर में रहती हूँ। तो अगला सवाल लेटर बॉक्स का, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, लेकिन तेरा घर है कहाँ, है ना, तो एड्रेस जानना है ना सबको, ताकि लड़की को उसके घर भेजा जा सके। तो लड़की से कहते हैं तू रहती कहाँ, उसने कहा अपने घर में, तेरा घर कहाँ है, तो वो पूछती है हमारी गली में, लड़की बताती है मेरा घर हमारी गली में। लेटर बॉक्स कहता है जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो सकता है, होता है, अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ, कौन सी जगह है। लेटर बॉक्स एड्रेस चाहता है, लड़की कन्फर्म बता नहीं पा रही है। लड़की कहती सड़क पर, आसान तो है मिलना, मेरे घर आना आसान है, हमारी गली एक सड़क पर है, हाँ उस सड़क पर आदमी ही आदमी आते और जाते रहते हैं। लड़की बताती है कि हमारी गली बहुत ही बिजी है, यानी कि लोग आते जाते रहते हैं, फिर भी लड़की अपना एड्रेस कंप्लीट नहीं बता पा रही है। लेटर बॉक्स कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हम घरों में रहते हैं, घर गली में रहता है, गलियां सड़कों पर है और सड़कों पर बहुत सारे लोग हैं, आना जाना लगा रहता है और चहल पहल के कारण चोरी वोरी भी कम होती है, यानी कि चोरी वोरी नहीं हो पाती है, पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है। तो लड़की फिर से आगे नाम कहती है हमारी घर वाली सड़क, छोटे बच्चे इसी तरह नाम रखते हैं ना, मेरे घर वाली सड़क, तुम्हारे घर वाली सड़क, तो लड़की इसी तरह से अपने सड़क का नाम बताती है, मेरे घर वाली सड़क। तो लेटर बॉक्स कहता है अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, वह तो तुम लोगों ने नाम रखा है, मेरी सड़क, तुम्हारी सड़क, उसकी सड़क, लेकिन सड़क का नाम होता है, जैसे हर रोड का नाम है, यह तुगलक रोड, सहनसा रोड, सेसा रोड, है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम क्या है, लेटर बॉक्स। अब यहाँ पर लेटर बॉक्स और लड़की की बातचीत हो रही है, लेकिन लेटर बॉक्स ने लड़की से कह दिया कि सब लोग मुझे ताऊ कहते हैं, लाल ताऊ, तो लड़की कहती है ये सब कौन, कौन है सब, यानी कि कौन है सब, यहाँ तो कोई और दूसरा है ही नहीं, आप हैं, मैं हूँ और हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब कौन है जो तुम बता रहे हो कि सब लोग मुझे लाल ताऊ कहते हैं। तो ये है आपके लिए असेसमेंट। अब इसके क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं। तो पहला सवाल है, घर शब्द का पर्यायवाची होगा, घर को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपने यहाँ पर दो पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे जैसे हवा का पर्यायवाची होता है पवन, वायु,
इसी तरह से घर का और क्या क्या पर्यायवाची हैं दो लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा लाल ताओ में विशेषण है, लाल ताओ इन दोनों में विशेषण शब्द कौन सा है, लाल है या ताऊ है। विशेषण जिससे किसी की विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर लाल ताऊ में विशेषण क्या है। तीसरा है आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं, इस वाक्य को स्त्रीलिंग रूप में बदल करके लिखिए। ये आदमी आदमी, इसको अगर आप स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो पूरे सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, तो पूरा सेंटेंस बताएंगे। जैसे लड़का खाना खाता है, यह पुल्लिंग का है, अगर हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो लड़की खाना खाती है। इसी तरीके से अपने सेंटेंस को भी बदलना है। अगला सवाल है गली शब्द का बहुवचन क्या होगा, गली एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा। जैसे हम कहें रोटी एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा, रोटियां रोटियां। इसी तरह से गली शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। और अगला सवाल आपका है पांचवा, चार सवाल आपके एक एक नंबर के हो गए, अब पांचवा और छठा आपके दो दो नंबर के, थोड़ा सा बड़ा आंसर आप किसका लिखेंगे। ऊपर संवाद में आए दो संज्ञा शब्दों को चुनकर के लिखना है। चलिए ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, संज्ञा शब्द तो आपको बताया कि संज्ञा किसी वस्तु स्थान प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे प्राणियों के नाम हैं, तो आपने कोई दो बताने हैं और दो में से आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। वीडियो को रोकने के बाद पहले आप मुझे कमेंट करके करेंगे कि इसमें पूरे पैसेज में संज्ञा शब्द कौन से हैं, और कमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके लिए रहेगा घरवाली शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द क्या है, प्रत्यय और मूल शब्द क्या है। उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो हमारे मैंने कुछ दिन पहले लाइव क्लास ली थी संडे को, संडे वाली वीडियो को देख लेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं सातवां, तो ये तीन नंबर के आपके सवाल हो गए, थोड़े से बड़े लिखेंगे आप। इस संवाद में कौन किससे बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, पहली बात किससे बात की जा रही है, दूसरी बात और ये बातें क्यों की जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी समझाया है कि बातें क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है, इसका आंसर थोड़ा सा लंबा लिखेंगे दो तीन लाइन में। आठवें हैं लड़की अपने घर का पता बताते हुए उसकी क्या क्या विशेषताएँ बताती है, यानी कि लड़की जब घर का पता बताती है तो कौन कौन सी बातें बताती है, मेरा ये है ये है ये है, घर है गली है सड़क है, तो सारी बातें आप इसमें कंप्लीट लिखोगे। नवा सवाल, लेटर बॉक्स चोरी वोरी कम होने के क्या कारण बताता है, वह चोरी कम होती है कहाँ कब, तो पूरा लॉजिक बताता है, आप इसका आंसर लिखेंगे। और अगला सवाल है लड़की क्यों कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा क्यों कहती है लड़की कि यहाँ तो कोई नहीं है, आपको सब लोग कौन कौन सब लोग लाल ताऊ कहते हैं, तो ऐसा लड़की क्यों कहती है। तो उम्मीद है आपको आज की असेसमेंट की वीडियो टेस्ट की वीडियो समझ आ गई होगी। इसके आंसर मैं जल्दी ही आपके लिए आंसर वाली वीडियो लेके आऊँगा, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको आंसर वाली वीडियो चाहिए, चाहिए तो कब चाहिए। और अगर आपका पुराना कोई भी टेस्ट छूट गया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके पुराने टेस्ट को भी जल्दी से करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सारी वीडियो आपके पास समय से पहुँचती रहें। बाय बाय।